जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह में आने वाले महत्वपूर्ण दिनों और तारीखों के बारे में। आपको बताएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों अर्थात भारत और विश्व के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 1 अप्रैल की। अप्रैल फूल दिवस पश्चिमी देशों में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह साल के सबसे रोमांचक दिनों में से एक है। यह दिन ऑल फूल्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को मूर्ख दिवस भी कहा जाता है। यह दिन दुनिया भर में मूर्ख डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और लोग हंसी मजाक के साथ इस दिन को मनाते हैं। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस ओडिशा राज्य में 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को आज़ाद प्रांत बनाया गया था। यह इस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ओडिशा में राज्य गठन की याद में मनाया जाता है। यह ओडिशा भाषी समुदाय के लिए उत्सव का समय है। ओडिशा के अलावा भारत और विदेशों में भी उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ ओडिशा के लोग रहते हैं। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में आत्म केंद्रित के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे से आत्म केंद्रित से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह लैंड माइंस के बारे में जागरूकता पैदा कराने के लिए मनाया जाता है। इसकी वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षित रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस या खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग सुरक्षित रहें और विस्फोटक उपकरणों से जुड़े खतरों के बारे में सतर्क रहें। विभिन्न राज्य सरकारें लैंडमाइंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करती हैं। दोस्तों 5 अप्रैल के दिन को इंडिया का राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले यह दिवस 5 अप्रैल 1964 को सेलिब्रेट किया गया था। यह दिन गौरवशाली समुद्री इतिहास को समर्पित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ दुनिया में सबसे ज़रूरी और बड़ी चीज़ है, इसलिए 7 अप्रैल का दिन स्वास्थ्य को समर्पित किया जाता है। हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है और सभी लोगों को ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी शब्द का आविष्कार सैमुअल हैनीमैन ने किया था। यह जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। डॉक्टर हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक का जन्मदिन मनाने के लिए ही 10 अप्रैल के दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि के रूप में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस की सालगिरह को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई हत्याकांड में हज़ारों लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं बरसी है। इस दिन को जलियांवाला बाग हत्याकांड में घायल और मारे गए लोगों की याद में समर्पित किया जाता है।
देश अमृतसर के जलियांवाला बाग की 101वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा है। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान जलियांवाला बाग हत्याकांड में गंवाई थी। दोस्तों 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती या भीम जयंती या भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी विख्यात हैं। इनके जन्मदिन को भारत में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक की जयंती प्रत्येक वर्ष भीम जयंती या अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। भारत के साहित्य और राजनीति में उनके योगदान को याद करने के लिए इस दिन कई मेलों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को दुनिया भर में हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हीमोफीलिया को हराना है। यह दिवस हीमोफीलिया और रक्त स्त्राव संबंधी विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत 1989 से की गई थी। यह साल 17 अप्रैल को लोगों में हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता फैलाने और सही उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को धरोहर स्मारकों, धरोहर स्थलों के संरक्षण, मानव विरासत, विविधता और भेदता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मानव विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस क्षेत्र में काम करने वालों के प्रयासों को पहचानने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मानव सभ्यता से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। जिगर शरीर का दूसरा सबसे जटिल अंग है। हिंदी में जिगर को यकृत भी कहते हैं। यह शरीर का एक जरूरी अंग है, इसलिए विश्व लीवर दिवस दुनिया भर में मानव शरीर में लीवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि लोग अपने लीवर को स्वस्थ रखने के प्रति उत्साहित हो सकें। सिविल सेवा दिवस या लोक सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न सिविल सेवक एक साथ आते हैं और एक सिविल सेवक के रूप में समाज में उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। इस दिन सभी सिविल सेवकों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक सालाना कार्यक्रम है। अर्थ डे पहली बार 1970 में मनाया गया था। यह दिवस 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म की सालगिरह के रूप में चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस पुस्तकों और पुस्तक प्रेमियों के लिए प्यार को समर्पित है। यह किताब पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने का एक उत्सव है। यह दिवस लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए उत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, साथ ही पुस्तकों और लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी विश्व बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से मनाया जाता है। यह पहली बार 24 अप्रैल 1993 में मनाया गया था। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया, तब से 24 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल का दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। यह दिन पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता के कारण अप्रैल में सबसे खास दिनों में से है। 24 अप्रैल क्रिकेटर सचिन का जन्मदिन भी है। भारत के सबसे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 2007 से शुरू किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के प्रयास करता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है।
विश्व मलेरिया दिवस दुनिया भर में लोगों को मलेरिया को रोकने और कम करने के लिए प्रयास करने के लिए जागरूक करता है। मलेरिया की घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल 2008 से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हम बौद्धिक और बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। यह दिन नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और पेटेंट के महत्व को याद करने का दिन है और इनके बारे में जागरूकता फैलाना है। 27 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस को हमारे समाज में पशु चिकित्सकों के योगदान को याद करने और सम्मान देने के लिए हर साल अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बीमार पशुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे दुनिया भर के पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पशु चिकित्सक का काम बीमार या घायल जानवरों की देखभाल करना है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ताकि नृत्य की कला के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का मुख्य उद्देश्य नृत्य को बढ़ावा देना है। नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई थी। यह दिवस नृत्य की कला का महत्व को प्रदर्शित करता है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसे आयुष्मान भारत दिवस कहा जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत में अच्छी चिकित्सा उपचार और सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक पहल है जो देश के दूरस्थ भागों में सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान कराती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।